वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या अंतर है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स भारत का महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल के पद पर कौन कार्यरत हो सकता है, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है और उसके वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो अगर हम आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं, ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 76 जो है वो इसका प्रोविजन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। उसमें सीधे सीधे ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होने की, सुप्रीम कोर्ट में एक जज के रूप में कार्यरत होने की योग्यता रखता है, उसको अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी चीज आती है कि इसको कौन नियुक्त करेगा भारत का महान्यायवादी, तो उसका जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। इसके बाद बात आती है कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो भारत का प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ऑल ओवर इंडिया जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे हो रही हैं उनको देखता है। ठीक है, उसकी ड्यूटीज की हम जब बात कर रहे हैं तो ये बात आती है कि जो भी मैटर्स, ठीक है, उसको अलॉट किए जाएंगे या जिन भी लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहती है कि उसको लीगल एडवाइस मिले तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लीगल एडवाइस लेगी। इसके अलावा जो भी उसको वर्क लॉ से रिलेटेड लीगल वर्क जो भी उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है वो मतलब उसको परफॉर्म करने होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। उसको जो भी वर्क दिया जाएगा, कन्फर्म किया जाएगा उसके ऊपर, वो सारे वर्क अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को परफॉर्म करने होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी का काम क्या है कि वो भारत का एक तो प्रथम जो लॉ ऑफिसर है वो है, और वो यूनियन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं उनके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कोई भी अगर केस है तो वो उनकी प्रोसीडिंग्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ऑल ओवर इंडिया जो भी आपके हाई कोर्ट्स हैं आपके या फिर सुप्रीम कोर्ट है वहां पर उन प्रोसीडिंग्स को वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो रहा अटॉर्नी जनरल का ड्यूटी, उसका अपॉइंटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं उसके वेतन और भत्ते। तो जो भी वेतन और भत्ते राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करेंगे, वो वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं, और ये भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस को, अपने पद को धारण करते हैं। तो ये तो रहा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बाद हम आते हैं एक और टर्म, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल से कनेक्टेड वर्ड है, कनेक्टेड है, इसलिए मैं पहले सॉलिसिटर जनरल को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। हालांकि ये सच है कि सॉलिसिटर जनरल का पद जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। कैसे असिस्ट करेंगे उसको, क्योंकि वो तो एक ही व्यक्ति है, जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो एक ही व्यक्ति है ऑल ओवर इंडिया। अब एक ही व्यक्ति हर जगह जाकर, भाई अलग अलग स्टेट्स हैं तो वहां हर जगह हाई कोर्ट्स हैं, कहीं भी यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर केसेस हो सकते हैं, तो हर जगह एक ही व्यक्ति जाकर केस को नहीं डील कर सकता। दैट्स वाई हर स्टेट में यूनियन ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। अब ये सॉलिसिटर जनरल कैसे होते हैं, एक असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जिन्हें हम ASGI और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, ये दोनों ही लोग यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं। तो यही इनके जो इनका जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल है उसको असिस्ट करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पद है यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हर जगह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट्स में।
इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन होता है। तो एडवोकेट जनरल जो है वो आपका उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल कौन हो सकता है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होने की एलिजिबिलिटीज के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो अटॉर्नी जनरल हो सकता है। ठीक उसी तरह जो हाई कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जज बनने के एलिजिबिलिटीज रखता है वो व्यक्ति स्टेट का जो है एडवोकेट जनरल नियुक्त हो सकता है। जिस तरह से सेंट्रल में, या कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल का पद होता है और उसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, उसी तरह अलग अलग स्टेट्स में एडवोकेट जनरल होते हैं और उनको वहां का गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपने ऑफिस में वर्क करते हैं, मींस इनका जो ऑफिस का टर्म है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट होता है। इसके अलावा ये जो है इनका भी काम वही है कि ये अपने स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नर के बिहाफ पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उनको रिप्रेजेंट करना एडवोकेट जनरल का काम होता है। तो ये तीनों ही टर्म्स की अटॉर्नी जनरल कौन है, एडवोकेट जनरल कौन है और सॉलिसिटर जनरल कौन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया क्या होगा कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या अंतर है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अभिज्ञान क्लासेस पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस का लाभ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिल सके। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।